हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज की इस वीडियो के अंदर कि आखिर आप लोग अपनी जिम की आदत को कैसे मेंटेन कर सकते हो। सभी लोगों का मानना है कि जिम जाना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज की वजह से बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है, लेकिन 90% लोग जिम ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं। केवल 10% लोग ही जिम को कंटिन्यू कर पाते हैं या अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को जोड़ पाते हैं। अब उसका रीज़न क्या है जो मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो आप देखते रहिए मेरी इस वीडियो को और अंत तक देखिएगा अगर आप भी फिट रहना चाहते हैं तो स्किप मत कीजिएगा और चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ टिप्स जो मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस के अंदर, ये फील किया कि हाँ, अगर ऐसा किया जाए तो जिम की आदत को बनाए रखा जा सकता है। तो क्यों ना मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ भी इस बात को क्यों ना शेयर किया जाए। तो आज की वीडियो में पहली टिप जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वो टिप है कि आप जब भी जिम ज्वाइन करते हैं उससे पहले आप छोटी मोटी एक्सरसाइज या जो गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो रूटीन में उसे लेकर आइए। जैसे मुझे साइकिलिंग पसंद है, मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी। बैडमिंटन मुझे खेलना पसंद है, मैंने बैडमिंटन स्टार्ट करा। मेन काम है मॉर्निंग में उठना। खाने के लिए आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए, पार्टनर। तो पहला टिप्स है कि आपके साथ अगर कोई भी पार्टनर बन जाता है तो आपका पहला काम पार्टनर को ढूंढने का होता है। तो अगर आपको पार्टनर मिल जाता है तो आप हर तरह की एक्टिविटी को कंटिन्यू कर पाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक पार्टनर चाहिए जो जिम में आपकी हेल्प करे। आप वीडियो में देख भी रहे हैं, एक मेरा पार्टनर है, जब से मुझे मिला है रेगुलर मैं जिम जा रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक ऐसा पर्सन है जिसने कभी जिम ड्रॉप नहीं किया है। हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करते आ रहे हैं। तो आज पहला काम आप लोगों ने यही करना है। क्या है वो टिप्स कि आप लोगों ने एक पार्टनर ऐसा ढूंढना है जो पर्सन रेगुलर आता हो जिम में, जिसने कभी छुट्टी ना की हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे किसी भी तरह का कोई फंक्शन हो, लेकिन मॉर्निंग में वो कंटिन्यू उठता रहा हो और साथ में आपकी सोच और उसकी सोच बिल्कुल आपस में मैच करती हो। तो पहला काम बहुत इजी है, आसान है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। ऐसे बहुत से जिम में लोग मिल जाएंगे जो जिम को कंटिन्यू करते हैं। तो पहली टिप्स होती है ख़त्म। नेक्स्ट टिप को सुनने के लिए पहले कॉपी पेन जरूर ले लीजिएगा। ये टिप्स वो हैं जो मैंने आजमाई हैं और देखा है कि इसका नतीजा पॉजिटिव ही रहता है। और दूसरा टिप्स है कि हम लोगों को हमेशा अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसका रिलेशन फिटनेस से हो। आप मंदिर रेगुलर जाएंगे तो आप धार्मिक ज़्यादा बनते जाएंगे। अगर आप किसी भी एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं तो उसकी आपको आदत पड़ने लग जाती है। मैं ऐसी चीज़ आप लोगों के बीच में बताने वाला हूँ। दूसरा टिप है पोस्टर्स एंड सॉन्ग। आपका जो अलार्म मॉर्निंग में बजता है उसके अंदर वो सॉन्ग होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करेंगे कि हाँ, हमें एक्सरसाइज करनी है। तो कौन से सॉन्ग हैं ऐसे मेरे लिए जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया? भाग मिल्खा भाग, सुल्तान, दंगल, ठीक है। तो ये वो सॉन्ग थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। अलार्म में मैंने उन्हें यूज किया। जब मैं रोड पर जाता था, रनिंग करने जाता था, उन सॉन्ग को सुनता था। जिम में भी मैं कोशिश करता था कि वही म्यूजिक ज़्यादा बजे। तो इसका मतलब दूसरा टिप्स आप लोगों के लिए मेन है कि आपको मोटिवेशनल सॉन्ग्स को लगाना है। इसके अलावा अगर आप YouTube देखते हैं या इंस्टा और फेसबुक को यूज करते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा फॉलो कीजिए जो फिटनेस से जुड़े हुए हैं। मैंने भी फॉलो किया है जीत सलाल, गुरु मान जी, बहुत अच्छे फिटनेस ट्रेनर है और अच्छी अच्छी उन्होंने नॉलेज दी है। मेरी स्टार्टिंग तो गुरु मान जी की वीडियो से ही हुई है। उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि हाँ, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। और तीसरा मेन आप लोगों के लिए जो है टिप्स वो क्या है? वो है व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोगों ने बहुत सारे बनाए होंगे, आप उनमें ज्वाइन भी होंगे। तो क्यों ना हम लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे बनाएं जो फिटनेस से रिलेटेड हों। ऐसे 10 दोस्त जो आलसी हैं उन्हें छोड़कर 4 दोस्त क्यों ना ऐसे बनाए जाएं जो फिटनेस से जुड़े हुए हैं।
आप लोग अपने आप को उन ग्रुप में ऐड कीजिए। जब आप उन ग्रुप में ऐड होंगे, उसके मैसेज जो आएंगे वो आपको खुद मोटिवेट करेंगे कि आज मॉर्निंग में साइकिलिंग करने जाना है, आज रनिंग के लिए जाना है, आज संडे है, चलो क्यों आज पार्क जाएं, जिम ऑफ रहेगा। मतलब जब ऐसी ही बातें होती रहेंगी तो आपका कहीं और ध्यान नहीं जाएगा। तो आप लोगों ने 3 टिप्स सीख लिए हैं, समझ लिए हैं और उम्मीद है आप लोग लिख भी रहे हो। तो अगला जो टिप्स है, चौथा जो टिप्स है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टिप्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपने आप को खुद अवार्ड देना है ना, मजे की बात। इसमें आप लोगों ने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपना एक टारगेट डिसाइड कर लेना है कि जैसे मैं अगर एक राउंड लगा रहा हूँ किसी पार्क का और वो राउंड जो है 10 मिनट में कंप्लीट होता था, धीरे धीरे मैं उसे फास्ट करूँगा और जिस दिन मैं उसे 5 मिनट में कंप्लीट करने लग गया तो समझ लो कि मैं अपने लिए ये चीज़ जो मुझे फेवरेट है उसे परचेज कर लूँगा। या मुझे कोई मोबाइल अच्छा लगता है तो मैं मोबाइल तभी परचेज करूँगा जब मैं उसे 5 मिनट में, उस राउंड को 5 मिनट में कंप्लीट करूँगा। ये छोटे छोटे टारगेट आपने अपने लिए तो डिसाइड करने हैं, इससे आप खुद मोटिवेट भी होंगे और अपने आप को ही आपने रिवॉर्ड देना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि आपके पास 4 टिप्स हो चुके हैं। इन 4 टिप्स के अलावा आप लोगों को और एक फाइनल टिप्स और ध्यान में रखना है। तो फाइनल टिप्स ये है, सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट आप तब होते हो जब किसी 6 पैक वाले को देखते हो। जब वो 6 पैक्स वाला बंदा आपके सामने शर्ट उतार कर घूम रहा होता है तो आपको लगता है कि ऐसा बनना है। 1-2 महीने आप पूरी कड़ी मेहनत करते हो लेकिन वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी बहुत ज़्यादा ऐसा फील किया है लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने एक बार ड्रॉप करने के बाद दोबारा जिम ज्वाइन किया और कोशिश करी। 6 पैक तो नहीं लेकिन जितने भी ले पाया नेचुरल वे में मैंने ज़रूर किया। तो अब आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है कि आप लोगों ने किसी को टारगेट नहीं करना है, बस आपने अपने आप को खुद टारगेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाना है। क्या करना है, एक्सरसाइज और डाइट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ, उसको आपने फॉलो करना है। आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज की जो 5 टिप्स आपको दी गई हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो मैं श्योर हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप पूरी तरह से फिट हो जाएंगे और हमारा और आपका दोनों का मिलकर जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।